हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज हम लोग संडे स्पेशल वीडियो सीरीज की पहली वीडियो देखेंगे जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव एक ऐसा सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो इग्निशन पर अपने आप को बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर लेता है। एक्सप्लोसिव के इग्निशन पर जो गैस निकलता है, जो गैस इवॉल्व होता है, उनका वॉल्यूम एक्सप्लोसिव के ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 times टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान के चलिए कि एक्सप्लोसिव इग्निशन से पहले अगर उसका वॉल्यूम 1 था, 1 cubic meter, तो आफ्टर इग्निशन जो गैस निकलेगा उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा, वो 1000 cubic meter या उससे ज़्यादा हो सकता है। एज़ वी नो कि एक्सप्लोसिव में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में। तो जब एक्सप्लोसिव का इग्निशन होता है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी पे, और जो हीट एनर्जी जो जनरेट हुआ वो ही मैकेनिकल वर्क करने में यूटिलाइज होता है। अब बात करते हैं एक्सप्लोसिव के ब्लास्टिंग मैकेनिज्म की, यानी जब एक्सप्लोसिव किसी होल में डाल के ब्लास्ट किया जाता है तो अगल बगल के रॉक्स या फिर कोल कैसे टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि जब एक्सप्लोसिव को जब इग्नाइट किया जाता है तो वो अपने आप को बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब कभी भी एक्सप्लोसिव को हम लोग किसी शॉर्ट होल में यानी किसी होल में ड्रिलिंग करने के बाद डालते हैं तो जो एक्सप्लोसिव से गैस निकला है उनको फ्री स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि वॉल्यूम जो शॉर्ट होल का है वो काफ़ी कम होता है और जो गैसें निकली हैं उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो गैसें निकली हुई हैं उनको फ्री स्पेस मिला नहीं है, उनका वॉल्यूम शॉर्ट होल का वॉल्यूम भी कम है, तो वो बाहर निकलना चाहेंगी तो जाहिर सी बात है तो उतना कम स्पेस में तो उतना तो रह नहीं सकती। इसीलिए वो शॉर्ट होल के चारों तरफ प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। जो ये प्रेशर होता है जब उस रॉक या वहाँ पर मौजूद जो कोयला है चारों तरफ उनको रप्चर करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा जब हो जाता है ये प्रेशर, तो रॉक है या फिर कोयला है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। अब बात करते हैं टूटने का इफेक्ट के बारे में, यानी इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सराउंडिंग्स, चारों तरफ जो कोयला टूटा है उसका इफेक्ट कैसा हो सकता है, टूटने का इफेक्ट कैसा हो सकता है। पहला सैटरिंग इफेक्ट, दूसरा हीविंग इफेक्ट। हीविंग इफेक्ट में जो टूटा हुआ मटेरियल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाके फेंकाता है और उनका जो साइज है टूटने के बाद वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्जर ब्लॉक्स और लार्जर लम्ब्स मिलते हैं मटेरियल के। सैटरिंग इफेक्ट में जो टूटा हुआ मटेरियल है वो काफ़ी दूर तक फेंका जाता है, चला जाता है, और जो मटेरियल का साइज होता है सैटरिंग इफेक्ट में टूटने के बाद वो काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू हीविंग इफेक्ट। वैसे तो हर एक्सप्लोसिव में केमिकल अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक्सप्लोसिव में कुछ चीज़ें हमेशा पाई जाती हैं, ये हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कम्बस्टिबल मटेरियल, यानी जलनशील पदार्थ। इसमें हम लोग लकड़ी का बुरादा यानी वुड मील यूज कर सकते हैं, सल्फर यूज कर सकते हैं और चारकोल भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीजन जनरेट करने वाला सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जलनशील पदार्थ को फ्री ऑक्सीजन देता है जिससे कि जलनशील पदार्थ का कम्बशन हो। जनरली पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, पोटासियम क्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट या पोटासियम परक्लोरेट को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्सप्लोसिव के अंदर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप MCQ में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका आप आंसर बता सकते हो। इसका ट्रिक यह है कि आप कंपाउंड्स का देखो नाम, अगर नाम में नाइट्रेट है, नाइट्रेट कंपाउंड्स है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। हर केस में होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस है 70-80% चांस है कि अगर नाइट्रेट कंपाउंड है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही होगा। तो इसका तीसरा है एंटीसेटिंग एजेंट, इसका काम है बारूद को ना जमने देना। चौथा है सेंसिटाइजर, जिसका काम है एक्सप्लोसिव को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करना। सेंसिटाइजर के लिए हम लोग एल्युमिनियम पाउडर या फिर कोई मेटेलिक पाउडर यूज कर सकते हैं। पांचवा है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के लिए हम लोग मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। छठवा है फ्लेम डिप्रेसेंट, यानी आग बुझाने वाला पदार्थ, इसके लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। इनका काम है कि टेम्परेचर को एक सेफ वैल्यू तक रिड्यूस करना, कम करना इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा समय तक ना रह जाए। एक्सप्लोसिव बनाते समय फ्लेम डिप्रेसेंट का प्रयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी हम कोई एक्सप्लोसिव को स्पेशली कोल माइंस में अगर हम यूज करते हैं तो ब्लास्टिंग करने के बाद जो टेम्परेचर अगर निकलता है वो ज़्यादा हाई है तो हो सकता है कि फायर डैम में एक्सप्लोजन करवा दें, क्योंकि कोल माइंस में फायर डैम तो रहता ही है, तो अगर टेम्परेचर हाई है या लैग ऑन इग्निशन तक है तो फायर डैम में एक्सप्लोजन हो सकता है। इसी को ध्यान में रख के फ्लेम डिप्रेसेंट एक्सप्लोसिव मिलाया जाता है, ताकि एक्सप्लोसिव के इग्निशन के बाद का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई ना हो और ज़्यादा समय तक ना रहे। अब बात करते हैं एक्सप्लोसिव के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी एक्सप्लोसिव के गुण और कौन कौन सा फैक्टर है जो एक्सप्लोसिव को सेलेक्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए, इसका भी आंसर सेम होगा। एक्सप्लोसिव आइदर हाई डेंसिटी के हो सकते हैं या फिर लो डेंसिटी। लो एक्सप्लोसिव शॉर्ट होल में ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा लंबाई तक जगह ऑक्यूपाई करेगा और जो एनर्जी है वो पूरी एक्सप्लोसिव के लंबाई तक डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, कहीं कंसंट्रेटेड एक जगह नहीं रहेगी। वहीं हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव में जो एनर्जी है वो किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड ज़्यादा रहती है, जनरली बैक ऑफ द होल, और शॉर्ट होल में भी वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करती। अब बात करते हैं कि कौन सा माइंस में हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे और कौन सा माइंस में लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे। कोल माइंस में हम लोग लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, क्योंकि हमको लंपी कोल चाहिए, ढेलेदार कोयला चाहिए, इसलिए हम लोग लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव यूज करते हैं कोल माइंस में। मेटल माइंस या फिर टनलिंग में, टनल बनाते समय हम लोग हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को हार्ड रॉक तोड़ना रहता है, बहुत कड़ा पत्थर तोड़ना रहता है, जिसके लिए हमको एनर्जी कंसंट्रेटेड चाहिए ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव के डिफरेंस की बात करें तो हाई डेंसिटी में एनर्जी कंसंट्रेटेड होता है, लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलॉन्ग द लेंथ। हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव मेटल माइंस या टनलिंग में यूज होता है, लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव कोल माइंस में यूज होता है। हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव कम एरिया ऑक्यूपाई करता है, वहीं लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव ज़्यादा एरिया या लेंथ ऑक्यूपाई करता है शॉर्ट होल का। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ की। एक्सप्लोसिव के ब्लास्टिंग के दौरान जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उसके नाप को स्ट्रेंथ बोलते हैं। किसी भी एक्सप्लोसिव के स्ट्रेंथ को नापने के लिए या स्ट्रेंथ बताने के लिए हम लोग दो टाइप का स्ट्रेंथ यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज वेट स्ट्रेंथ एंड द सेकेंड इज बल्क स्ट्रेंथ। दोनों ही स्ट्रेंथ ब्लास्टिंग जेलेटिन को रेफरेंस मानकर ही निकाली जाती है। वेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ब्लास्टिंग जेलेटिन रिक्वायर्ड टू द वेट ऑफ गिवन एक्सप्लोसिव टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी। बेसिकली वेट स्ट्रेंथ का मीनिंग यह है कि सेम स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई गिवन एक्सप्लोसिव का कितना वेट चाहिए ब्लास्टिंग जेलेटिन के वेट के कंपैरिजन में। ब्लास्टिंग जेलेटिन का वेट स्ट्रेंथ 100 माना गया है, वहीं बल्क स्ट्रेंथ में दोनों का स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टिंग जेलेटिन के मुकाबले। वेट स्ट्रेंथ में कंपेयरिंग क्वांटिटी वेट है और बल्क स्ट्रेंथ में कंपेयरिंग क्वांटिटी वॉल्यूम है। तीसरा प्रॉपर्टी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है।
जिस वेलोसिटी से डिटोनेशन वेव एक्सप्लोसिव के कॉलम के थ्रू पास करती है उसे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन कहते हैं। सिंस वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बेसिकली एक वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ओपन कास्ट जेलेटिन जो एक एक्सप्लोसिव है उसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन 2500 मीटर पर सेकेंड टू 4000 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होगा उतना ही ज़्यादा शॉक एनर्जी डिटोनेशन के दौरान प्रोड्यूस होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है वाटर रेजिस्टेंस। कुछ एक्सप्लोसिव ऐसे होते हैं कि जो पानी के संपर्क में आते ही या नमी के संपर्क में आते ही खराब हो जाते हैं और जब उनको डिटोनेट किया जाता है तभी वे एक्सप्लोड नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ एक्सप्लोसिव ऐसे हैं जिनका पानी या नमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिलेटिनियस एक्सप्लोसिव वैसे एक्सप्लोसिव होते हैं जिन पर पानी या नमी का प्रभाव नहीं पड़ता या बिल्कुल कम पड़ता है। इसी कारण से हम लोग जिलेटिनियस एक्सप्लोसिव का प्रयोग पानी या नमी वाली जगह में कर सकते हैं। वहीं अमोनिया आधारित बारूद यानी अमोनियम बेस्ड एक्सप्लोसिव पानी या नमी के संपर्क आने पर खराब हो जाती है, इसलिए उनका प्रयोग नमी एवं पानी वाली जगह पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनका प्रयोग सिर्फ सूखी जगह पर किया जाता है। एक अच्छा एक्सप्लोसिव वही होता है जो नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान छोटे मोटे झटके या फ्रिक्शन से इनसेंसिटिव रहता है, असंवेदनशील रहता है। साथ ही जब एक्सप्लोसिव को डिटोनेट किया जाए तो वह इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि डिटोनेशन करने पर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड कर सके, और कार्टेज को इतना सेंसिटिव होना ही चाहिए कि डिटोनेशन वेव को ट्रैवल करवा सके फ्रॉम वन कार्टेज टू अनदर कार्टेज, अगर दो कार्टेज के बीच छोटे मोटे गैप्स भी मौजूद हो तो। छठवां प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन बैलेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक्सप्लोसिव को शॉर्ट हॉल में काफ़ी टाइटली पैक करके रखा जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एयर का भारी मात्रा में कमी होगा, और हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। देयरफॉर एक्सप्लोसिव को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कैपेबल होना चाहिए ताकि जो जलनशील पदार्थ हैं एक्सप्लोसिव के अंदर उनका कंप्लीट कम्बसन हो सके। देयरफॉर ऑक्सीजन बैलेंस भी एक एक्सप्लोसिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कम्बसन होगा एक्सप्लोसिव में तो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन वेव प्रोड्यूस होगा जिससे ज़्यादा कोयला या मटेरियल या पत्थर टूटेगा और साथ ही बहुत कम मात्रा में हार्मफुल गैस निकलेंगी। सातवां प्रॉपर्टी है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ वेंटिलेशन सीमित होता है वहाँ उस प्रकार के एक्सप्लोसिव यूज किए जाने चाहिए जिनसे बहुत कम मात्रा में हार्मफुल गैसें निकलती हैं डिटोनेशन प्रोसेस के बाद। ऐसी सीमित वेंटिलेशन वाली जगहों पर स्लरी एक्सप्लोसिव या फिर अमोनियम नाइट्रेट आधारित एक्सप्लोसिव का प्रयोग करते हैं। अंडरग्राउंड कोल माइंस में सही प्रकार के परमिटेड एक्सप्लोसिव का ही केवल प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला संडे स्पेशल वीडियो अगले संडे को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक / माइनिंग टेक्निकल। टिल देन जय हिंद जय भारत।